नमस्कार, मैं शुभकरण सहायक आचार्य EFM श्री राधे श्याम आर मुरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकंड में यूनिट संख्या प्रथम के अंतर्गत नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का अध्ययन करेंगे। नाबार्ड के अध्ययन करने से पहले हमने पूर्व के व्याख्यान में भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का हमने अध्ययन किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य के क्या कारण रहे, उनके प्रबंध व संगठन संरचना किस प्रकार थी, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य कौन कौन से थे, भारतीय रिजर्व बैंक के शाख नियमन नियंत्रण की विधियां कौन कौन से थी, भारतीय रिजर्व बैंक की सफलता और असफलता के कौन कौन से कारण रहे, उनका हमने बिल्कुल विस्तृत एवं सारगर्भित अध्ययन किया। इसमें उसी क्रम में, उसी पार्ट में आज हम भारतीय रिजर्व बैंक का नियमन नियंत्रण वाला बैंक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही प्रचलित है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण परिवेश में विभिन्न प्रकार के शाख उपलब्ध करवाना, जिसमें अधिकतर ये दीर्घकालीन लोन उपलब्ध करवाते हैं। जैसा कि आपको मैंने आपको पहले बताया कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड मुख्यतया मार्च 1969 में रिजर्व बैंक ने श्री वी शिवरमन ने मार्च 1979 ने नाबार्ड की स्थापना पर जोर दिया, जिसमें शिवरमन अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसमें 26 नवंबर 1969 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 26 नवंबर 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और समिति ने कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की बैंक की स्थापना की, जिसमें ग्रामीण शाख एवं वित्त व्यवस्था के लिए असफल मानते हुए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक विकास बैंक की स्थापना हुई, जिसमें मुख्यतया नाबार्ड की स्थापना की गई 12 जुलाई 1982 को। अगर हम बात करें नाबार्ड की पूंजी की, तो नाबार्ड की पूंजी प्रारंभिक पूंजी ओपनिंग कैपिटल की हम बात करें तो नाबार्ड की पूंजी मुख्यतया 100 करोड़ रुपये नाबार्ड की पूंजी है, जो 50-50 करोड़ रुपये की पूंजी में विभाजित है। ये तो इसकी नाबार्ड की मुख्यतया भूमिका हुई। अब हम बात करें कि नाबार्ड क्या क्या कार्य करता है, नाबार्ड के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। नाबार्ड के प्रमुख कार्य, फंक्शन ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड के विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, जिनमें मुख्यतया नाबार्ड दीर्घकालीन लोन उपलब्ध करवाते हैं, दीर्घकालीन शाख उपलब्ध करवाते हैं, ग्रामीण परिवेश में ग्रामीणों के विकास के लिए, जिसमें उद्योग भी सम्मिलित हैं
आधारभूत संरचना भी सम्मिलित है और विभिन्न प्रकार की योजनाओं में सड़क है, यातायात है, परिवहन है, उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उनमें वित्त उपलब्ध करवाते हैं। लगभग नाबार्ड दीर्घकालीन साख उपलब्ध करवाते हैं जिससे ग्रामीणों का विकास हो, ग्रामीण व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो ग्रामीण विकास या ग्रामीणों का क्या होगा, विकास होगा। तो इस प्रकार नाबार्ड के प्रमुख कार्यों में अपना अध्ययन करें तो जिसमें लघु उद्योग और कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग ग्रामीण उद्योग, इन उद्योगों में या जो भी इन उद्योगों की स्थापना करता है उनको दीर्घकालीन लोन उपलब्ध करवाते हैं जिसमें सभी प्रकार की साख के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध करवाकर कृषि एवं ग्रामीण विकास में गति होती है। एक बिंदु तो ये है। और ग्रामीण विकास नाबार्ड के प्रमुख कार्यों में दूसरा, ये बैंक लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योग के विकास के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों में कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। तीनों बैंकों को स्थापित करके सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा समन्वय स्थापित करने का काम भी नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार नाबार्ड के विभिन्न कार्यों में नाबार्ड बैंक ग्रामीण साख के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं। किसके लिए? ग्रामीण साख के लिए। इस प्रकार नाबार्ड महत्वपूर्ण है। और नाबार्ड ये बैंक ग्रामीण साख एजेंसियों जैसे राज्य सहकारी बैंक और भी विभिन्न प्रकार के बैंकों के द्वारा साख नियमन नियंत्रण का कार्य भी करते हैं जिसमें मुख्यतया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक आदि को दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन, अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य भी करते हैं। ये बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए अनुसंधान कार्यों के लिए भी बढ़ावा देते हैं। रिसर्च अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भी ऋण उपलब्ध करवाते हैं और भी विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाते हैं। सहकारी और ग्रामीण बैंकों के लिए अपनी शाखाएं स्थापित करने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान में शाखाओं को बदलने के लिए नाबार्ड के माध्यम से रिजर्व बैंक को आवेदन करना होता है, जो कि यह बैंक प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की सहकारी बैंकों की निरीक्षण कार्य भी करेगी। इस प्रकार नाबार्ड ये मूलभूत रूप से कार्य संपादित करते हैं। अब हम नाबार्ड की अगर और बात करें तो नाबार्ड की हम प्रबंध व्यवस्था की हम बात करें तो नाबार्ड की प्रबंध व्यवस्था में मुख्यतया इस प्रकार से संचालक हैं जिसमें 13 तो संचालक मंडल होते हैं। नाबार्ड की प्रबंध व्यवस्था में 13 संचालक मंडल हो जिससे प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय क्रियाएं आसानी से संपादित की जाए। अगला बिंदु पे हम चर्चा करेंगे नाबार्ड की प्रबंध व्यवस्था। नाबार्ड की प्रबंध व्यवस्था में 13 संचालक सदस्य में मुख्यतया इसमें एक प्रबंध निदेशक होता है, मैनेजमेंट डायरेक्शन,
एक अध्यक्ष होता है। तो इस प्रकार नाबार्ड की प्रबंध व्यवस्था में मुख्यतया इस प्रकार है, जिसमें संचालक मंडल से दो सदस्य चुने जाते हैं, दो सदस्य संचालक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ भी होते हैं। इसके अलावा एक सदस्य व्यापारिक बैंक, दो सदस्य राज्य सहकारी बैंकों के कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, तीन सदस्य केंद्र सरकार के संचालक और दो सदस्य राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं, और ये नियुक्ति राष्ट्रीय बैंक के द्वारा या राष्ट्रीय अधिनियम 1961 की धारा 6(1) के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार नाबार्ड महत्वपूर्ण तरीके से भूमिका का भी एक निर्वहन करते भी हैं। आगे हम बात करें नाबार्ड की इसी प्रबंध व्यवस्था में, इस प्रबंध व्यवस्था के संचालक मंडल का कार्यकाल 5 ईयर का होता है, 5 साल का होता है, 5 साल के दौरान इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसमें कार्यकारी समिति के द्वारा राष्ट्रीय बैंक अधिनियम 1961 की धारा 13 के अनुसार इस समिति का गठन भी किया जाता है। दिसंबर 2000 में नाबार्ड एक्ट बना, जो कि 1981 में इसको संशोधित करके इसके कार्य क्षेत्र में विस्तार करके इसके पुनः स्वायत्तता प्रदान की गई। इसी प्रकार नाबार्ड की हम वित्तीय स्रोत की बात करें तो वो इस प्रकार से हैं। नाबार्ड के वित्तीय स्रोत, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में लगभग ऐसे इसका प्रश्न पूछते हैं कि नाबार्ड की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, या नाबार्ड पर निबंध लिखिए, या नाबार्ड के कौन कौन से कार्य हैं, उनकी प्रबंध संगठन संरचना और इसके वित्तीय स्रोत और उपलब्धियां कौन कौन सी हैं। तो वित्तीय स्रोत में पहले हम बात करें इसकी अंश पूंजी की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नाबार्ड की अंश पूंजी मुख्यतया विभिन्न विभागों में है। तो इसकी 31 मार्च 2017 और नाबार्ड की प्राधिकृत पूंजी 6700 करोड़ थी, और चुकता पूंजी भी 6700 करोड़ थी 31 मार्च 2017 की। इसकी प्रार्थित पूंजी की हम बात करें तो नाबार्ड की रिजर्व पूंजी 112 करोड़ थी, जो 1984 में बढ़कर 157 करोड़ हो गई। अब इसके विदेशी व ऋण कोष की बात करें तो 31 मार्च 2017 को बढ़कर 16078 करोड़ हो गई। जमाओं की बात करें तो 31 मार्च 2017 तक नाबार्ड की कुल जमाएं 1,94,415 करोड़ हो गई। बॉन्ड व डिवेंचर की बात करें तो 2016-17 में 50,538 करोड़ रुपए की बॉन्ड हो गए। उधार ब्योरों की हम बात करें तो हम इसको तालिका के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं, जो आपको नोट्स के माध्यम से हमने डिलीवर्ड किए हैं। 2016-17 में इसकी राशि 34,927 करोड़ रुपए रही, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में कार्य करते हैं। नाबार्ड के ऋण कार्यक्रम की हम बात करें तो नाबार्ड ऋण कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं, और नाबार्ड 3 प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अल्पकालीन ऋण, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन। अब हम बात करें इसकी कार्य प्रगति की। नाबार्ड की कार्य प्रगति में मुख्यतया विभिन्न आयाम है, क्योंकि नाबार्ड अपनी विभिन्न गतिविधियों से अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहा है, क्योंकि वर्ष 2008 व 9 में नाबार्ड का बकाया ऋण 98,852 करोड़ रुपये थी, जो 31 मार्च 2017 पर नाबार्ड अल्पकालीन एवं मध्यकालीन बकाया राशि 73,553 करोड़ रुपये थी, जो 31 मार्च 2017 तक दीर्घकालीन पुनर्विक्त बकाया ऋण राशि 1,05,207 करोड़ थी। ये भूमि विकास बैंक,
फर्म यंत्रीकरण, बागवानी, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष रूप से भी कह सकते हैं कि नाबार्ड मध्यकालीन, अल्पकालीन और दीर्घकालीन लोनों की सुविधा उपलब्ध करवाता है। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति क्या है। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।